श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 16 नवंबर बुधवार के दिन काल भैरव अष्टमी है। इस तिथि को हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा अधिक महत्वता दी गई है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान शिव के अवतार काल भैरव का अवतरण हुआ था। इस बार यह शुभ तिथि 16 नवंबर दिन बुधवार को है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत उपवास उपाय करके भगवान शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है और महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और महादेव अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। साथ ही काल भैरव की पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है और नकारात्मक शक्तियां दूर हो रहती है। काल भैरव भगवान शिव का रौद्र रूप है। इनको तंत्र मंत्र का देवता भी माना गया है। काल भैरव अष्टमी को हम पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा का यह विशेष उपाय करेंगे। अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, गुरुजी के ऐसे ही उपाय आगे भी जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यह उपाय प्रदोष काल के वक्त सूर्यास्त के बाद करना है। थोड़ा सा चंदन और थोड़ा सा तेल एक दीपक लेकर किसी भी नज़दीकी शिव मंदिर में चले जाइएगा। अगर आपके नज़दीक काल भैरव मंदिर नहीं है तो आप किसी भी नज़दीकी शिव मंदिर में भी जा सकते हैं। शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पूर्व आपको क्या करना होगा कि जो चंदन आप लेकर आए हैं उसमें थोड़ा तेल अच्छे से मिला दीजिए और चंदन को आपको शिवलिंग पर लगाना है। अगर आप काल भैरव मंदिर गए हैं तो पंडित जी से कहिएगा कि यह चंदन काल भैरव के चरणों में या मस्तक पर लगा दे। यह करने के बाद जो एक दीपक आप लेकर आए हैं उसे लेकर मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित कर दीजिएगा। यह उपाय आपको खास करके इस काल भैरव अष्टमी के दिन ही करना है। काल भैरव भगवान शिव का रौद्र अवतार है। यह छोटा सा उपाय अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं इस तिथि को तो आप के जीवन से सारी परेशानियां दूर होंगी। आपको महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस तिथि की महत्वता को समझते हुए यह उपाय एक बार अवश्य आप करके देखिएगा। इस उपाय से जुड़ी हुई और कुछ विशेष जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे ही उपाय आगे भी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।